हाय गाइस, वेलकम बैक टू आर्स रॉयल किचन। आर्स रॉयल किचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक और खुशहाल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एगेटेरियन स्पेशल रेसिपी। यह बहुत ही सिंपल सा ऑमलेट मैं बनाऊंगी, जो स्पेशली व्हेन आई एम ऑल अलोन एंड आई एम नॉट इन अ मूड टू कुक एनी इलैबोरेट मील्स फॉर माई सेल्फ, वैसे टाइम के लिए मैं यह जल्दी से क्विक बना के अपना काम चला लेती हूँ। मैंने पैन को गर्म होने के बाद 1 टेबलस्पून घी से स्मीयर कर लिया है, और इसके बाद मैंने लिया है एक एग। उसे मैं सिंपली सिर्फ ब्रेक करूँगी उसके ऊपर, उसे मैं बीट नहीं करूँगी, सिंपल उसे ब्रेक करके छोड़ दूँगी। और उसके ऊपर मेरा जो सॉल्ट का सीजनिंग है वह मैं ऐड कर दूँगी, और थोड़ा सा फ्रेशली ग्राउंडेड ब्लैक पेपर। बस एकदम सिंपल सा है, और आपने अगर कभी इस तरह से नहीं बनाया है तो एक बार ट्राई कीजिए, बिकॉज इट कम्स आउट वेरी वेल, और स्पेशली घी के साथ एग का कॉम्बिनेशन गोज़ वेरी वेल। अगर आपको सनी साइड अप एक पसंद है तो बस इसके बाद आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूँ इसके बारे में, सो आई विल जस्ट टर्न इट ओवर और फ्लिप करने के बाद इसे दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से इसे घी में रोस्ट कर लेती हूँ। सो गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर रेसिपीज़। यह एक दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, और अब इसी पैन पे मैंने एक स्लाइस ऑफ ब्रेड को टोस्ट कर लिया है, उसे पलट करके अच्छी तरह से सेक लूँगी, और फिर उसके ऊपर मैंने प्लेस किया है एक चीज़ स्लाइस। और ब्रेड गर्म है और नीचे से जब वो पैन अभी गैस इज ऑन, सो यह चीज़ स्लाइस भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा, और इसी के ऊपर मैं थोड़ा ऑरिगेनो स्प्रिंकल करने के बाद में जो एग हमने बनाया है वो इसके ऊपर रख देंगे। और लीजिए, आपका चीज़ टोस्ट इज़ रेडी, और चीज़ एग टोस्ट इज़ रेडी। इसे आप किसी सॉस या चटनी के साथ रिलिश करें, और बिना बिल्कुल स्पाइस और ज़्यादा कुकिंग के आपका सिंपल इजी एंड न्यूट्रिशियस मेन्यू इज़ रेडी। सो गाइज, इट्स क्वाइट फिलिंग एंड न्यूट्रिशियस रेसिपी है ये, आप ट्राई ज़रूर करें। और चलिए अब हम तैयारी करते हैं एक वेजिटेरियन क्विक सैंडविच की। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 उबले हुए आलू, उसमें मैंने डाला है 1/2 कैरेट जिसे मैंने ग्रेट किया हुआ है, और 1 छोटा सा अनियन जिसे मैंने बारीक काटा हुआ है, और 2 हरी मिर्च ली है जिसे भी बारीक बारीक मैंने काट लिया, वह सब इसमें हम ऐड कर। गाइज, मैंने यहाँ पर जो ब्रेड यूज़ किया है वो मिल्क ब्रेड है, और आप चाहें तो मिक्स ग्रेन ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, होल व्हीट एंड ओट ब्रेड्स और वॉट एवर, चॉइस इज़ योर्स एंड दैट इज़ योर प्रेफरेंस। तो यहाँ पर मैंने मैश्ड पोटैटो के ऊपर ये पूरा डाल के मिक्स कर लिया है, और यहाँ पर ऐड किया है 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है। ध्यान रखिए कि आपने इसमें हरी मिर्च भी डाली है, और थोड़ा सा फ्रेश पुदीना लीव से वो मैंने ऐड किया, और थोड़ा सा कोथमीर कटा हुआ वह ऐड कर दिया है, और एक शिमला मिर्च मेरे पास है तो उसमें ऐसे मैंने हाफ बारीक बारीक कट करके वह भी इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं है तो भी आप स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून डाला है अमचूर पाउडर थोड़ी खटाई के लिए। और गाइस, मैंने इस चैनल पर सेवरी फ्रेंच टोस्ट का रेसिपी भी अपलोड किया था, और जो व्यूवर्स नए हैं और उन्होंने अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो एंड चेक इट आउट। यह पोटैटो वेज सैंडविचेस जो हैं बहुत जल्दी बनते हैं। आपके पास आलू अगर है, आप बॉईल करके, अगर आपको लंच या ब्रेकफास्ट की रेसिपी बनाना है बच्चों के टिफ़िन के लिए, तो रात में आप पोटैटो को बॉईल करके रख दीजिए, और सुबह आप ये जो भी वेजिटेबल्स उसमें चॉप करें या ग्रेट करें और उसमें मिक्स करके जल्दी से बना के स्टफ़ कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने ऐड किया है 1/2 टीस्पून ऑफ काली मिर्च पाउडर, और उसके बाद ये ब्रेड के आउटर साइड पर मैंने बटर लगा लिया है। अगेन, अगर आप चाहें तो थोड़ा लगाएं या ज़्यादा लगाएं, दैट इज़ सोली योर प्रेफरेंस। एंड मैंने दोनों तरफ बटर लगाने के बाद में अंदर जो मैंने फिलिंग रेडी की है वह अच्छी तरह से इवनली उस पर स्प्रेड कर दूंगी, और उसके ऊपर मैंने प्लेस किया है एक स्लाइस ऑफ चीज़, और इसके ऊपर वापस नॉर्मल वाली ब्रेड रख करके मैं इसे पैन पर या तवे पर अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई होने तक दोनों तरफ से इसे मैं सेक लूँगी। गाइस, अगर आपके पास चीज़ स्लाइस नहीं है तो आपके पास अगर ग्रेटेड चीज़ है वह भी आप इसी फिलिंग में ऐड कर सकते हैं, या आपके पास टिन है तो उस ग्रेट करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एंड इफ़ यूर हेल्थ कॉन्शियस, अगर आपको चीज़ स्लाइस ऐड नहीं करना है तो यू कैन स्किप दैट थिंग। और बाकी मैंने फिर पैन के ऊपर थोड़ा सा बटर स्मीयर किया, और इस टोस्ट को रखकर दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक या गोल्डन फ्राई होने तक मैं इसे अच्छी तरह से टोस्ट कर लूँगी। और लीजिए, आपका क्रिस्पी वेज सैंडविच और पोटैटो फिल्ड सैंडविच और पोटैटो एंड मिक्स्ड वेज फिल्ड सैंडविच इज़ रेडी। और ये भी हल्की फुल्की भूख के लिए काफ़ी अच्छा स्नैकिंग कह सकते हैं आप इसे। आप चाहें तो ब्रेकफास्ट में या लाइट डिनर अगर आप करना चाहें या हाई टी के साथ में, सो दिस सैंडविचेस आर रेडी। मैंने इसे सर्व किया है थोड़ा बीटरूट एंड कैरेट सैलड के साथ। वैसे तो ये सैंडविच अपने आप में ही काफ़ी स्पाइसी एंड इतने फिलिंग है कि आपको इसमें सॉस की ज़रूरत नहीं है, बट एनीवे आई हैव जस्ट एडेड सम सॉस देयर। आप ग्रीन चटनी भी यूज़ कर सकते हैं, और ये रेसिपी थोड़ा अधूरी रहेगी बिकॉज वी प्रीफर टू हैव जूस ऑल्सो अलॉन्ग विद दिस। तो ये मैं यहाँ पर फ्रेश कैरेट और बीटरूट का जूस बना रही हूँ,
और उसमें मैंने थोड़ा सा वापस इस जूस को सीजनिंग किया है मैंने काला नमक या ब्लैक सॉल्ट के साथ। एंड सी, योर प्लेट ऑफ ब्रेकफास्ट विद अ हेल्दी जूस इज़ रेडी। सो गाइज, यह क्विक सी हेल्दी रेसिपीज़ एगेटेरियन एंड वेजिटेरियन वाली आप ट्राई ज़रूर करें। और चलिए इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें एंड स्टे ट्यून्ड गाइज, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर रेसिपीज़।